हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रंची स्पेशल सा नाश्ता जो झटपट बनकर 2 मिनट में तैयार हो जाती है। इसे बनाने में कम से कम समय लगेगा और ये बनाने का तरीका इतना ज़्यादा आसान है कि इसे आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और झटपट से बनने वाली रेसिपी है, तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए ले लेना है कच्चे आलू। कच्चे आलू को मैंने छिलका निकाल कर अच्छे से वॉश कर लिया है। आप देखिए एक ले लेना है बाउल और ग्रेटर। अब आलू को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। आपके पास बड़ा वाला ग्रेटर हो उससे भी चल सकता है या फिर छोटे वाले ग्रेटर से भी। अच्छे से आपको आलू को कद्दूकस कर लेना है तो दे सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं ताकि ये काले बिल्कुल भी ना पड़े। तो इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, वरना आलू में स्टार्च रहते हैं तो ये काले पड़ने लगते हैं। तो इसीलिए 2 से 3 पानी से हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। तो देखिए, चलिए मैं इसका पानी निकाल कर अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसका पानी हम निचोड़ कर इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दे सकते हैं हमारे आलू खिले खिले और बिल्कुल वाइट से ऐसे ही पड़े रहेंगे अगर इसे आप अच्छे से वॉश कर लेंगे तो। अब इसे प्लेट को हम रख देते हैं साइड। यहाँ पे देखिए मैंने रख लिया है पैन। पैन में हम डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है, आप चाहें तो अमूल बटर भी ले सकते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच जीरा। जीरा को हम थोड़ा सा अच्छे से तड़कने देंगे। जब जीरा थोड़ा सा तड़कने लगे तो इसमें हम तीखे के अनुसार हरी मिर्च ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही इसमें हम डाल देते हैं, बहुत ही क्रंची स्पेशल फ्लेवर आता है फ्रेंड, तो इसके लिए मैंने तिल ले किया है। तिल को हमें ज़रूर डालना है, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार होगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें भून लेना है लो फ्लेम पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है 2 कप पानी। जी हाँ फ्रेंड, 2 कप आपको पानी डालना है। अब इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। तो तीखा आपको जितना ज़्यादा पसंद हो या फिर कम पसंद हो अपने अकॉर्डिंग आप मिर्ची ऐड कीजिएगा। स्वाद अनुसार नमक हम ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 चम्मच नमक मैंने ले लिया है। और ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे इस नाश्ते में ना। अगर हरा धनिया आप ज़्यादा डालेंगे तो उससे हमारा नाश्ते का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनकर तैयार होगा। अब इसमें 1 उबाल आने देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है, दे सकते हैं। अब इसमें जो मैंने कच्चे आलू को देखे ग्रेटर से ग्रेट किया था उसे भी हम डाल देंगे। डालने के बाद अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो 1 उबाल आने तक ही इसे कुक करना है। बहुत जल्दी आलू हमारे कुक हो जाते हैं तो दे सकते हैं। अब गैस का फ्लेम हम लो करेंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सूजी। तो यहाँ पे दे सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये उबाल आ चुका है। गैस का फ्लेम हमने लो करके इसमें सूजी को ऐड कर दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया परफेक्टली डो हमारा तैयार हो जाता है। तो दे सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये मिक्स कर लेते हैं हम। लगभग 2 से 3 मिनट में काफ़ी अच्छे से ये डो तैयार हो जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो मेरी अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही नए नए नाश्ते की रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे दे सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से डो हमारा तैयार हो चुका है। इसे मैंने थाली में निकाल लिया है। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं, लगभग 4 से 5 मिनट के बाद आप इसे अच्छे से मैश करते रहिएगा। बहुत ज़्यादा हमें ठंडा नहीं होने देना है, हल्का इतना ठंडा हो जाए ताकि हम हाथों से अच्छे से मैश कर सकें। यहाँ पे देखिए परफेक्टली इसी तरीके से हमें डो परफेक्टली तैयार कर लेना है। इससे बहुत ही अच्छा इसमें बाइंडिंग तैयार होने लगता है, एकदम सॉफ्टी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बॉल्स मैंने ले लिए हैं। अब लेने के बाद इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे। तो हमें इसे अच्छे से चौकोन शेप में अच्छे से बना लेना है। दे सकते हैं रोलिंग तरह अच्छे से रोल करना है। तो इसी तरीके से देखिए अच्छे से रोल कर लीजिए। अब इसे हमें क्या करना है, नाइफ की सहायता से इसे कट कर लेंगे। तो दे सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, आपको शेप को भी ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा, एक जैसा सब बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए मैंने अच्छे से कट कर लिया है। थोड़ा सा इसे हाथों से हम रोल करेंगे और साइड साइड का प्रेस कर देंगे। इस तरीके से देखिए बहुत ही अच्छे से शेप में आ जाता है। तो बहुत ही बढ़िया झटपट ये बनकर रेसिपी तैयार हो जाती है बिल्कुल नए अंदाज में। और इतना क्रंची लगता है फ्रेंड्स कि इसे जब भी आप बनाना चाहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। यकीन मानिए आपको खाने के बाद बार बार बच्चे बड़े
खाने की जिद करेंगे जब एक बार ये नाश्ता बनाकर ट्राई करेंगे तो। घर के पड़े हुए बेसिक से सामानों से बनकर तैयार हो जाता है और झटपट बिल्कुल ईजी है। तो देख रहे हैं इस तरीके से मैंने बना लिया है, तो फटाफट सारे नाश्ते को मैं तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कितने ढेर सारे हमारे नाश्ते बनकर तैयार हो गए हैं। एक कप सूजी में ढेर सारे हमारे स्नैक्स तैयार हो जाते हैं और खाने में ही उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है जितना बनाने में आता है। तो देख रहे हैं इसी तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे, तो फ्राई करने के लिए गैस का फ्लेम आप हाई रखिएगा और तेल हमारा अच्छे से टेम्परेचर में होना चाहिए, ज़्यादा लो पे मत डालिएगा वरना इसमें तेल ज़्यादा ही एब्जॉर्ब करने लगते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छे से डालने के बाद ऐसे ही इसे 1 से 2 मिनट के लिए रहने दीजिए। जब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगे तो इसे हम अलटते पलटते हुए अच्छे से इसे हम बना लेंगे। तो देख रहे हैं इसे अच्छे से फ्राई करना है हमें, तो इसी तरह लगातार 4 से 5 मिनट लग जाते हैं गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी झटपट बनने वाला नाश्ता है। तो फ्रेंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही नए नए नाश्ते की रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देख सकते हैं झटपट से ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप ये नाश्ते को आप कई दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स में या कंटेनर में आप इसे भरकर फ्रीजर में रख दीजिए। इसे एक हफ्ते तक आप जब भी मन करेगा तो आप इसे फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी झटपट ये बनकर तैयार भी हो जाता है। कहीं भी आपको बाहर जाना हो तो इस तरीके से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा गर्मा गर्म टेस्टी सा स्नैक्स तैयार हो चुका है। अब इसे मैं प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तो बहुत ही झटपट सी अमेजिंग सी रेसिपी है ये नाश्ता, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो देख सकते हैं कितने टेस्टी मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड इसी तरीके से नए नए वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और नाश्ते की रेसिपी ऐसे ही नए नए तरीके की आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड इसी तरह मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।